नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है। वैलेंटाइन वीक यानी कि प्यार करने वाला हफ्ता, पूरा हफ्ता जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का प्यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या यूं कहें कि माँ बाप के प्रति हमारा प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, या अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने दोस्तों के प्रति हमारा प्यार हो। प्यार तो प्यार होता है। तो चलिए, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रविशा विगेरा, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये वैलेंटाइन वीक और मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए किस तरह का रहेगा, और अपने बिलव को आप किस तरह के गिफ्ट्स या फ्लावर्स दे सकते हैं, या क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। तो रविशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैम, आप मूलांक 1 से लेकर 9 तक जो बर्थ डेट आती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह के गिफ्ट्स देना और किस तरह के फ्लावर्स देना उनके लिए अच्छा होगा, जिसमें उनका प्यार बढ़ेगा, या चाहे वो माँ बाप के लिए ही क्यों ना हो। तो मैम, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम जान रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ या जो भी आपका बिलव्ड है, उसको आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या गिफ्ट करना है। अगर आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 1/10/19 या 28 है, तो आप उनको क्या गिफ्ट कर सकते हैं। उनको रेड रोजेज आप गिफ्ट कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लावर्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। उनके लिए अगर आपको कार्ड लेना है, तो कार्ड के लिए भी आप सेम कलर लेंगे, रेड या ऑरेंज। उनको परफ्यूम्स का बहुत क्रेज़ होता है, आप उनको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर आपके बॉयफ्रेंड इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं, बिलव्ड वन, योर लव पार्टनर, तो आपको पता होगा कि उनको परफ्यूम्स का बहुत क्रेज़ होगा। आप उनको ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, उनको गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद है। लाइक वाइफ्स और गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को गोल्ड वॉच भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू गिफ्ट सम क्लोथ्स और समथिंग लाइक दैट, दे प्रेफर येलो कलर मोस्ट इन देयर अटायर, सो आप उनको ये सब गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैम, ये वाले गिफ्ट सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही दे सकते हैं क्या, अपने पेरेंट्स के लिए जिनका प्यार है, माँ बाप के साथ एक अलग बॉन्ड होता है, तो क्या इस तरह के कोई गिफ्ट अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं? यस, आई टोल्ड यू दैट बिलव्ड, ठीक है, लव पार्टनर के बाद मैंने वर्ड यूज किया बिलव्ड, वो लव किसी के लिए भी हो सकता है। तो जो भी आपके बिलव्ड हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मम्मी हो, चाहे फ्रेंड हो, अगर वो इस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, तो आप उनको ये गिफ्ट देंगे तो दे विल फील मोर हैप्पी। सो आपको अपने बिलव्ड की डेट ऑफ बर्थ से उनको गिफ्ट देना है। चलिए मैम, अगला मूलांक 2। हाँ जी, मूलांक 2। अगर आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ, सॉरी कि मैं बार बार गर्लफ्रेंड वाइफ का ले रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आपके हस्बैंड, आई यूज द वर्ड बिलव्ड ओनली। अगर आपके बिलव्ड बॉर्न हुए हैं 2/11/20 या 29th ऑफ एनी मंथ, उनको आप क्रीम और पिंक कलर के फ्लावर्स दीजिए। कार्ड्स के लिए भी आप यही कलर पसंद कर ले सकते हैं। उनको फ्लोरल पैटर्न बहुत पसंद होता है, तो उनको क्लोथ्स में फ्लोरल पैटर्न बहुत पसंद होता है, तो आप उनको उस तरीके के क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं। उनको पर्ल ज्वेलरी का बहुत क्रेज़ होता है, सो यू कैन गिफ्ट देम पर्ल ज्वेलरी और अ सिल्वर वॉच। तो मैम, आप मूलांक 3 वालों के लिए क्या कहेंगे, जिनका बर्थ 3 मूलांक में हुआ है, तो उनके लिए क्या बेटर? सी, अगर आपके बिलव्ड बॉर्न हुए हैं 3/12/21 या 30th ऑफ एनी मंथ, तो उनका मूलांक है 3। उनको येलो कलर, पिंक कलर बहुत पसंद है, आप उनको इस कलर के फ्लावर्स, कार्ड या क्लोथ्स आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। सेम, उनको गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद है, आप उन्हें गोल्ड वॉच गिफ्ट कर सकते हैं। उनकी आईज़ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, वो खुद थोड़ा कम बोलते हैं और आईज़ से एक्सप्रेस करते हैं, तो जब भी आप उनको कोई भी अगर ऐसा उनका चॉइस का गिफ्ट देते हैं, सो यू सी देयर आईज़ विल फिल्ड विद लव, क्योंकि उनकी आईज़ बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। नेक्स्ट मूलांक है मूलांक नंबर 4। तो जानते हैं मैम से मूलांक 4 के बारे में। अगर आपके बिलव्ड या लव पार्टनर बॉर्न हुए हैं 4/13/22 और 31st ऑफ एनी मंथ, तो उनको आप क्रीम कलर, रेड कलर के फ्लावर्स दे सकते हैं। सेम कलर आप यूज़ करेंगे कार्ड के लिए, अगर आपको कार्ड गिफ्ट करना है। उनको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है,
फोर वालों को मोबाइल्स का बहुत क्रेज़ होता है, तो उनके लिए बेस्ट गिफ्ट मोबाइल से अलावा और कुछ हो नहीं सकता. एंड इन दैट उनको वॉच अगर आपको गिफ्ट करनी है तो मेटालिक ग्रे कलर की वॉच आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं. दीज गिफ्ट्स आर ऑल्सो लकी फॉर देम व्हेन दे यूज़ इट, बिकॉज ऑल दो देयर प्रेफरेंस एंड देयर चॉइस इज दिस. एंड इवन अगर वो ये गिफ्ट्स आप जो उनको दे रहे हैं वो अगर यू नो वियर करते हैं मेटालिक ग्रे वॉच, तो उनके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो अगर आपका आप खुद चारबॉर्न है तो मेटालिक वॉच आप पहनिए. तो ये था मूलांक चार के बारे में. चलिए अब जानते हैं मूलांक पांच के बारे में. तो मैम मूलांक पांच के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपकी बिलव्ड या लव पार्टनर फाइव है, मतलब फाइव मूलांक वाले हैं, 5 तारीख 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका मूलांक है 5. और 5 वालों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो दे फॉल ईजिली इन लव. एंड इन लोगों को यू नो मटीरियल थिंग्स से ज़्यादा प्यार नहीं होता. दे लव टू गो फॉर कैंडललाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव, मूवी, तो उनको ये सब ज़्यादा शौक है. अगर आप ये कर सकते हैं दे फील वेरी हैप्पी. और इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको उनको कुछ गिफ्ट करना है, सो इन फ्लावर्स दे लाइक पिंक कलर फ्लावर्स मोस्ट. आप उनको क्लोथ्स में ग्रीन कलर क्लोथ्स दे सकते हैं, समथिंग इन पिंक एंड ग्रीन. एंड दे लव गोल्डन सिल्वर वॉच, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्डन सिल्वर वॉच यू कैन गिफ्ट देम. चलिए अगला मूलांक है मूलांक नंबर 6. तो जानते हैं मैम से मूलांक 6 के बारे में. अगर आपकी बिलव्ड या लव पार्टनर 6 बॉर्न है, यानी कि 6 तारीख 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, तो आप उनको यू नो पेस्टल कलर के फ्लावर्स, क्रीम कलर के फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं. कार्ड के लिए भी आप सेम कलर चूज़ कर सकते हैं. दे लाइक ब्रांड्स अमोस्ट, ठीक है, उनको ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है, उनको डायमंड बहुत पसंद है. सो दे लव टू हैव अ डायमंड ज्वेलरी अगर आप गिफ्ट कर सकते हैं. और इंस्टेड ऑफ यू कैन गिफ्ट देम अ गोल्ड वॉच. एंड दे आर मोर क्रेजी अबाउट ब्रांड्स, सो उन्हें ब्रांडेड आइटम कुछ भी चलेगा. एंड दे लव परफ्यूम ऑल्सो. चलिए मैम एक बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने 6 मूलांक तक अब तक जितने मूलांक बताए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें हर किसी में एक एक कलर का जिक्र किया है, तो हम ये मान लें कि हमारी लाइफ में हर कलर का एक अलग ही रिश्ता जुड़ा हुआ या कोई महत्व है कि जो मतलब कलर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करते हैं. यस, जो मैं आपको बता रही हूँ कार्ड्स एंड फ्लावर्स के कलर्स, दीज आर द लकी कलर्स फॉर दैट मूलांक ऑल्सो. सो अगर वो कलर्स वो अपने पास रखते हैं, वियर करते हैं, सो दे फील हैप्पी ऑल्सो. उनके लिए प्रॉस्परस भी लाइक प्रॉस्पैरिटी भी लाते हैं ये कलर्स. तो कलर्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है. चलिए जानते हैं आगे मूलांक नंबर 7 के बारे में. तो मैम मूलांक 7 के लिए क्या अच्छा रहेगा? 7 बॉर्न पीपल, बेसिकली 7 बॉर्न पीपल यू नो दे लुक लाइक बेबी. उनका जो फेस होता है चाइल्डिश फेस होता है, इनोसेंस होती है उनके फेस पे. एंड अगर आपके बिलव्ड या लव पार्टनर 7 बॉर्न है, यानी कि 7 तारीख 16 तारीख और 25 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, तो आप उन्हें ऑरेंज कलर, येलो कलर के फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं. सेम कलर आप कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ज्वेलरी में उन्हें प्लैटिनम ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लैटिनम ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं. आप उन्हें गोल्ड वॉच भी गिफ्ट कर सकते हैं. चलिए ये तो था मूलांक 7, और अब जानते हैं मूलांक 8 के बारे में. ओके, अगर आपके बिलव्ड या लव पार्टनर 8 बॉर्न है, यानी कि 8 तारीख 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, तो आप उन्हें येलो, पिंक, क्रीम कलर के फ्लावर्स गिफ्ट करिए. सेम कलर आप यूज़ करिए कलर्स के लिए, कार्ड के लिए. एंड अगर आपको उनको कुछ गिफ्ट करना है तो उन्हें कपड़ों का बहुत शौक होता है, परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है, एंड उन्हें वॉचेस का भी बहुत शौक होता है, तो उन्हें ब्लैक वॉच आप गिफ्ट कर सकते हैं. दे लव ब्लैक. अगर आप क्लोथ्स में भी देखेंगे तो 8 वालों को आप बहुत ज़्यादा ब्लैक में देखते होंगे, तो उनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्लोथ्स में भी एंड वॉच में भी. चलिए अगला मूलांक है मूलांक नंबर 9. तो मैम मूलांक 9 वालों के लिए क्या गिफ्ट देना अच्छा रहेगा? सी, अगर आपके बिलव्ड या लव पार्टनर 9 बॉर्न है, तो पहली बात है कि सी दे डोंट शो द इमोशंस. वो इतने इमोशंस नहीं शो करते. स्माइल करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करते हैं, बट दैट डजेंट मीन दे डोंट लव यू. दे लव यू इंटरनली, वो बहुत प्यार करते हैं जिनसे भी प्यार करते हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव.
अगर आपके बिलव्ड या लव पार्टनर 9 तारीख को बॉर्न हुए हैं, किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उन्हें आप पर्पल कलर के फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं. पर्पल, येलो, गोल्डन, समथिंग इन गोल्डन दे लव टू वियर, एंड उनके लिए कार्ड्स भी आप इस कलर के ले सकते हैं. आप उनको रोज़ गोल्ड कलर की वॉच गिफ्ट कर सकते हैं. सबसे बेस्ट गिफ्ट जो उनके लिए है, दैट इज़ अ यू नो गिफ्ट ऑफ जिम मेंबरशिप. आप उनको जिम मेंबरशिप गिफ्ट करिए. अगर आप उनको ये गिफ्ट करते हैं, सो ट्रस्ट मी, द इश्यूज़ यू आर हैविंग इन योर रिलेशनशिप विल रिजॉल्व. दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 9, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है. अगर वो जिम जाते हैं, रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, तो उनका जो एग्रेसिवनेस है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, वो काम रहते हैं, तो आप हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में. सो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, फोर्स योर लव पार्टनर टू गो फॉर अ वर्कआउट, डू सम योगा. सो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर देम. तो ये तो थे मूलांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में. तो चलिए, जहाँ प्यार करना आसान है, तो वहीं प्यार का इजहार करना या उसे निभाना उतना ही मुश्किल. तो मैम से जानते हैं कि क्या उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स हैं वैलेंटाइन के लिए, कोई ऐसा स्पेशल टिप्स देना चाहेंगी कि जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए कुछ अलग हो जाए. तो मैम, ऐसे कोई स्पेशल टिप्स आप देंगी? या श्योर, जैसे कि आपने कहा प्यार करना आसान है बट इजहार करना उतना ही मुश्किल, तो इससे रिलेटेड ही टिप देना चाहूँगी मैं. जी, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं वैलेंटाइन के दिन अपने बिलव्ड को, लव पार्टनर को, तो आपको क्या करना है? आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग लो एंड यू आर हैविंग दैट स्ट्रेस कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट 5-4-1. 5-4-1 आपको अपने हैंड, लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से लिखना है और इसे चैंट करना है 100 times. पहले आप 100 times चैट करेंगे 5-4-1. इसे आप 5-41 नहीं बोलेंगे, 5-4-1. इसे 100 times चैट करिए, देन गो एंड प्रपोज योर लव पार्टनर एंड राइट इट ऑन अ लेफ्ट हैंड. आप ऐसा करिए, आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा. चलिए, ये तो थे आज वैलेंटाइन डे पे हमारे साथ रविशा जी ने आपके साथ वैलेंटाइन स्पेशल चीज़ें शेयर करी हैं कि किस तरह के आपको गिफ्ट्स देने चाहिए, किस तरह के आपको कलर्स का यूज़ करना चाहिए, या थोड़ा सा स्पेशल टिप्स दिए हैं उन्होंने कि भाई आप अपने हैंड पे ये लिखें जिससे आपको प्रपोज करना आसान हो जाए और आपकी बात भी रह जाए और आपका काम भी हो जाए. तो मैम, ये तो बात हुई प्रपोज करने की कि प्रपोज करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जो प्यार करते हैं और जो अपना इजहार भी नहीं कर पाए और जो शादी भी करना चाहते हैं अपने प्यार से, उसके लिए कोई स्पेशल टिप्स जो उनकी शादी हो जाए? ओके, अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, मनपसंद पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाके आपको एक फूलों का माला उनको अर्पण करनी है, मिश्री का भोग लगाना है और एक मंत्र का जाप करना है 108 बार. वो मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा. इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और फ्राइडे के दिन आप इसे करिए रेगुलर फॉर 5 Fridays, तो आपको आपका मनपसंद जीवन साथी ज़रूर मिल जाएगा. तो चलिए, ये तो थे वैलेंटाइन वीक स्पेशल जो रविशा जी ने जहाँ पे आपको ये जानकारी दी, बताया कि किस तरह के कलर्स के फ्लावर्स या किस तरह के गिफ्ट्स देने से आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग या आपका जो प्यार है वो बहुत बढ़ता जाएगा. और हम आगे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार वैलेंटाइन वीक पे ही नहीं, हर दिन यूं ही निरंतर बढ़ता जाए. तो इसी के साथ नमस्कार.